दोस्तों आज कबीर सिंह का जो टीजर है वो रिलीज किया गया। मूवी के अंदर आपको मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं शाहिद कपूर और इसके साथ आपको नजर आएंगी कियारा आडवाणी। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा जो चर्चा में चीज है वो है एक कौन सी मूवी का रीमेक है। तो आपको बता दें कि अर्जुन रेड्डी का रीमेक है और मूवी काफी शानदार थी। अर्जुन रेड्डी भी आपको बताने वाले हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों अगर आपको स्टोरी नहीं जाननी तो अभी भी स्पॉइलर अलर्ट हम आपको दे देते हैं, आप इस वीडियो को ना देखें। लेकिन अगर आपको स्टोरी जाननी है तो वीडियो को जरूर एंड तक देखें और लाइक जरूर कीजिएगा। तो कहानी शुरू होती है कबीर सिंह से, यानी कि शाहिद कपूर से। शाहिद कपूर एक मेडिकल स्टूडेंट होता है और वो अपने पढ़ाई में काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उसे सिगरेट की लत होती है। वो अपनी टीम का गोलकीपर होता है फुटबॉल में, वहीं वो एक सीनियर स्टूडेंट होता है जो लोगों को काफ़ी पसंद भी रहता है। वो लेकिन इसी दौरान कॉलेज में नया बैच आता है जिसमें कियारा आडवाणी भी कॉलेज में एडमिशन लेती हैं और वो फर्स्ट ईयर में होती है। तब कॉलेज के अंदर शाहिद कपूर यानी कि कबीर सिंह जो है ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि भाई ऐसा है कि ये मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड है, आप में से कोई भी इसे ना ही देखेगा ना ही बात करेगा। उसके बाद कियारा आडवाणी को उस समय तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो कबीर से प्यार करने लग जाती है। कहानी इसके बाद आगे बढ़ती है। कहानी का जो स्टोरी प्लॉट है वो इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमता है। कुछ दिनों बाद कबीर जो है वो पास आउट हो जाते हैं और अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कहीं और चले जाते हैं। जब उनकी पढ़ाई पूरी होती है तो वो वापस आते हैं लगभग 3 से 4 साल बाद। जब वो 3 से 4 साल के दौरान कियारा आडवाणी से अच्छे से रिलेशनशिप में आ चुके होते हैं, जिस दौरान उनके काफ़ी ज़्यादा फिजिकल और इमोशनल अटैचमेंट हो चुकी होती है, तभी आती है कबीर के भाई की शादी। और कबीर अपनी भाई की शादी का कार्ड कियारा के, यानी कि कियारा जो किरदार निभा रही है, उनके घर शादी का कार्ड देने जाते हैं। जैसे ही वो शादी का कार्ड देने जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, उन दोनों के बीच में कुछ इंटीमेट मोमेंट्स होते हैं जो कि कियारा के पिताजी देख लेते हैं। जैसे ही कियारा के पिताजी देखते हैं उन्हें काफ़ी गुस्सा आता है और वो कबीर को उनसे दूर रहने के लिए कहते हैं। लेकिन कबीर कियारा को कहता है, यानी शाहिद कपूर कियारा आडवाणी को कहता है कि भाई अगर तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मुझे 6 घंटे के अंदर फ़ोन करके बता देना। लेकिन फ़ोन ना होने की वजह से कियारा आडवाणी उन्हें नहीं बता पाती और इस तरीके से कबीर कहीं और चला जाता है और कियारा की शादी हो जाती है। जैसे कबीर दूर होता है कियारा आडवाणी से, वो दारू के नशे में और ड्रग्स के नशे में रहने लगता है। एक बार तो खुद को मॉर्फिन से इंजेक्ट कर लेता है और 2 दिन तक कोमा में रहता है। ये सब जानने के बाद उसके पिताजी यानी कबीर के पिताजी उसे अपने घर से निकाल देते हैं। घर से निकालने के बाद कबीर एक अपार्टमेंट में रहने लगता है और एक हॉस्पिटल में जॉब करने लगता है। हॉस्पिटल के अंदर भी वो ड्रग्स करता है और इतनी ज़्यादा ड्रग्स करता है कि वो डिहाइड्रेट हो जाता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसी हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता है और हॉस्पिटल प्रशासन को ये पता चल जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स करता है, इस वजह से उस पर केस कर देते हैं और उसे निकाल देते हैं हॉस्पिटल से। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अपार्टमेंट का मालिक भी उन्हें अपार्टमेंट से निकाल देता है। तभी कबीर को पता चलता है कि उनकी दादी जो है वो एक्सपायर हो गई है और फिर कबीर अपने घर जाता है। कबीर के पिता उन्हें समझाते हैं कि तुम ये ड्रग्स व्रग्स का चक्कर छोड़ दो। उसके बाद कबीर ड्रग्स व्रग्स का चक्कर छोड़ देता है, लेकिन तब तक काफ़ी समय हो चुका होता है, कियारा की शादी हो चुकी है और कियारा कहीं और शिफ्ट हो जाती है। उसके बाद जब कबीर ड्रग्स छोड़ देता है तो वो कहीं और जॉब के लिए चला जाता है और वो एकदम साफ सुथरी ज़िंदगी जीने लगता है। लेकिन काफ़ी समय बाद किसी पार्क में वो कियारा को बैठे हुए देखता है और कियारा प्रेग्नेंट होती है और वो रोने लगती है। आपको बता दें कि जैसे ही कबीर कियारा को देखता है, यानी कि शाहिद कपूर कियारा को देखते हैं, वो पार्क में उनसे मिलने जाते हैं। तब उन्हें कियारा आडवाणी यानी शाहिद कपूर को बताती है कि वो उनसे दूर रहकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, आज भी उन्हें उतना ही प्यार करती है और वो जो प्रेग्नेंट है, वो जो बच्चा है वो कबीर का ही है, यानी शाहिद कपूर का भी है। और आपको बता दें कि वो उन्हें ये भी बताती है कि जब उनकी शादी हुई तो वो शादी के कुछ दिनों बाद ही उसे छोड़कर, यानी जिसे शादी हुई थी उसे छोड़कर वापस आ जाती है। तो ये थी पूरी कहानी इस मूवी की। अर्जुन रेड्डी की जो पूरी कहानी है वो हमने आपको बता दी है। आपको बता दें कि अर्जुन रेड्डी काफ़ी शानदार पिक्चर थी और ये साउथ में काफ़ी ब्लॉकबस्टर भी थी। इसका रीमेक करने की इच्छा जाहिर की थी शाहिद कपूर ने और जो इसके डायरेक्टर हैं संदीप, उन्होंने उनकी सुन ली। इसके बाद ये रीमेक बनाया गया। शाहिद कपूर इस रीमेक के अंदर नजर आए। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म के लिए? मूवी जून 21 को रिलीज होने वाली है और आज इसका टीजर भी बेहद शानदार आया। जल्दी आपको इसका ट्रेलर और इसके गाने भी सुनने को मिलेंगे। दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं कबीर के रोल के अंदर शाहिद कपूर को देखने के लिए? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। सब्सक्राइब करें देखो देखो, जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर ये मिलती है सबसे पहले।